मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद बुधवार को पहली बार अपने आराध्य देव भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। मोहन यादव बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के ही निवासी हैं। उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से उन्होंने लगातार तीसरी बार विधायक का चुनाव जीता है। धार्मिक नगरी उज्जैन अपने प्राचीन मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस नगर से कई प्राचीन मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं, जिसका पालन राजा हो या रंग, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, सभी को करना पड़ता है। वहीं जिसने भी इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की, उसे बड़ी कीमत देकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो ऐसी कौन सी परंपरा है जिसे बड़े से बड़े पद पर बैठा व्यक्ति भी नहीं तोड़ सकता। तो आइए उस परंपरा और उस परंपरा के तोड़ दोनों के बारे में आपको बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान महाकाल ही यहाँ के एकमात्र राजा हैं, जिसके चलते कोई दूसरा व्यक्ति जो कि उच्च पद पर बैठा हो यहाँ रात नहीं ठहर सकता। इसी मान्यता के चलते प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री से लेकर किसी भी राजघराने का कोई सदस्य उज्जैन में रात में नहीं ठहरता। मोहन यादव उज्जैन के ही निवासी हैं और अब वो प्रदेश के सबसे उच्च पद पर आसीन हैं। लिहाजा उनके सामने अब अपने ही घर में रात रुकने का संकट आ गया है। हालांकि महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने इस परंपरा का एक तोड़ भी निकाला है, जिसे पूरा करने पर सीएम मोहन यादव अपने घर में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। उनके बाबा महाकाल के चरण में अपना विश्राम भी कर सकते हैं, जैसे कि भरत ने राम का राज्य संभाल के किया था और राम राज्य को पूरा सुरक्षित किया था, और वो भी एक कुशा के आसनों पर विश्राम करते और राज चलाते थे। तो यदि गृह निवास में यदि वो रहना चाहें और यदि महाकाल की कृपा से महाकाल की आसंदी के साथ प्रतिनिधि के रूप में वहाँ विश्राम करें और विश्राम करते हुए यहाँ का राज्य चलाते हैं, तो इससे उत्तम और कोई बात नहीं होगी। आसन कुशा का हो। उज्जैन की इस परंपरा का पालन अवंतिका के राजा विक्रमादित्य भी करते थे। उन्होंने अपनी राजगद्दी को भगवान महाकाल को सौंप दिया था और खुद बाबा के प्रतिनिधि के रूप में राज्य देखा करते थे। पावन शिप्रा नदी के किनारे बसी राजा विक्रमादित्य की नगरी अवंतिका यानी उज्जैन देवों के देव भगवान महाकाल का निवास स्थान है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में चौथे नंबर पर आने वाले भगवान महाकाल यहाँ विराजमान हैं।